वेलकम बैक वंस अगेन। सो आज हम चैप्टर नंबर 3 द रोबोट विद अ वायरस को कंटिन्यू करेंगे एंड एंड करेंगे, कंप्लीट करेंगे। ओके, सो टिल नाउ हमने क्या पढ़ा था, दैट दो बैटलर रोबोट जो उस रिकी के पेरेंट्स ने रिकी के लिए घर पे यूज करने के लिए लेके आए थे, व्हाट हैड हैपेंड। रिकी को अब ये शक था कि वो मिसफंक्शन कर रहा है, उसको बैडली गाइड किया गया है और जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए गए वो बैड इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, एंड ही इज स्टीलिंग द थिंग्स फ्रॉम द हाउस। उसको ये लग रहा था कि वो क्या कर रहा है, चीजें चुरा रहा है, तो वो ये चीजें अपने पेरेंट्स को बता रहा था, एंड पेरेंट्स वर डिनाइंग कि वी विल नॉट चेंज द बैटलर रोबोट, क्योंकि बैटलर रोबोट क्या कर रहा था, खाना बहुत अच्छा डिलीशियस खाना बनाता था, तो इसकी वजह से उनके पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी विद दैट बैटलर रोबोट। ओके, नाउ अब उसको क्या करना पड़ा था, ही हैड टू कीप एन आई ऑन दैट बैटलर रोबोट। वो बैटलर रोबोट की जासूस करने लगा एंड वन डे उसको रेड हैंड पकड़ लिया। ओके, रेड हैंड पकड़ने के बाद भी उसने पेरेंट्स से बोला, बट दे वेर डिनाइंग बिकॉज एज आई ऑलरेडी सेड कि वो बहुत अच्छा खाना बनाता था एंड सारा घर का काम बहुत इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से काम करता था, दैट्स वाई हिज पेरेंट्स वेर वेरी हैप्पी वेर वेरी डिलाइटेड विद दैट रोबोट। ओके, एंड साइमल्टेनियसली रिकी क्या कर रहा था, अपने पेरेंट्स के साथ आर्ग्यू कर रहा था कि ही इज नॉट अ गुड ही इज नॉट हैविंग गुड मोरालिटी। कि वो क्या बोल रहा था कि नो या वो खाना अच्छा बनाता है नो डाउट, बट इट ही इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बिकॉज ही इज स्टीलिंग द थिंग्स फ्रॉम आवर हाउस। सो नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, फ्रॉम पेज नंबर 19 ही इज सॉरी फ्रॉम पेज नंबर 19। ओके, वन डे द रोबोट वॉज wearing past and heard the boys complaints. So what happened? ऐसे ही वो रिकी रोबोट के बारे में कंप्लेन कर रहा था अपने पेरेंट्स को। सो वन डे रोबोट क्या कर रहा था, wearing means he was continuously making a buzzing sound. Okay, continuously buzzing sound करना, तो वो sound ऐसे निकाल रहा था। He heard that Ricky was complaining about him. Ricky क्या कर रहा था, उसके बारे में अपने पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहा था। The रोबोट रिटर्न्ड विद वन ऑफ द बॉयज टॉयज एंड सम क्लोथ्स फॉर हिम। सो रोबोट ने क्या किया, उसके पास जो भी टॉयज थे और जो कुछ कपड़े थे, जो रिकी के कपड़े थे एंड रिकी के टॉयज थे, वो वापस लाके रिकी को दे दिया। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। हियर सर आई डिड नॉट नो इट वॉज बॉदरिंग यू, सेड द बटलर With its metallic voice, since it was a robot, वो तो एक robot था, उसका voice कैसा था, metallic voice। आपने किसी movies में cartoons में देखा होगा कि robot का sound कैसा होता है, metal से बना होता है, that's why उसका sound क्या होता है, metallic voice होता है। तो अपने metallic voice में what that robot said that sir here the stuffs is, जो stuffs आप ढूंढ रहे हैं वो यहाँ है, and I was not knowing, मुझे पता नहीं था that आपको प्रॉब्लम हो रही है इस चीज से कि आपका सामान नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आई वॉज नॉट नोइंग दैट एंड आई वॉज अनअवेयर ऑफ दैट, नाउ आई केम टू नो एंड दिस इज योर स्टब्स। तो उसने सारे स्टब्स उसको दे दिए। किसको दे दिए, रिकी को दे दिए। हाउ कुड इट नॉट, यू थीफ, यू हैव बीन निकिंग माई स्टफ फॉर वीक्स। सो रिकी ने रिप्लाई में क्या बोला कि कैसे तुम्हें पता नहीं था कि दैट द थिंग्स इज बॉदरिंग मी, यू थीफ, तुम चोर, तुमने सारे हफ्ते मेरा सामान, निकिंग मीन्स स्टीलिंग, तुमने सारे हफ्ते मेरा सामान चुराया है। हु सेड दिस, रिकी सेड टू द बैटलर रोबोट। ओके, द बॉय सेड फ्यूरियसली, फ्यूरियसली मीन्स वेरी एंग्रीली। ओके, बहुत गुस्से में उसने बोला कि कैसे तुम्हें नहीं पता है? एक हफ्ते से यू आर स्टीलिंग माई स्टफ, सो हाउ वुड यू नॉट बी नोइंग अबाउट इट। The objects were left on the floor. I therefore calculated that you did not like them. जितने भी objects मैंने लिए है वो सारे कहाँ पे पड़े हुए थे, फ्लोर पे पड़े हुए थे, एंड मुझे लगा दैट ये आपके इस काम की चीज नहीं है, आपको ये सारी चीजें की जरूरत नहीं है। I am programmed to collect all that is not wanted
and at night I send it to places where other humans can use it. अब रोबोट ने क्या बोला, मुझे इस तरीके से बनाया गया है, इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि जो अनवांटेड स्टफ्स है मैं उसको कलेक्ट करता हूँ एंड एट नाइट यानी कि रात में मैं उन लोगों के पास पहुंचाता हूँ जिसको इस चीज की जरूरत है. ओके, जिसको जरूरत नहीं है उसको उठाता हूँ एंड जिसको जरूरत है वहां पे पहुंचाता हूँ. तो मुझे इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है यानी कि मुझे इस तरीके से बनाया गया है कि वेस्टेज को मुझे उठानी है और जिसको वो नीड में हो, जो पर्सन इसका नीडी हो, तो मैं उसको नाइट को जाके दे देता हूँ. मुझे इस तरीके से प्रिपेयर किया गया है. हु सेड दिस? रोबोट सेड टू द बॉय. I am maximum efficiency machine where you unaware. मैं एक maximum efficiency machine हूँ यानी कि जो wastage होता है उसको मैं minimize करता हूँ, उसको मैं कम करता हूँ. इस तरीके से मुझे बनाया गया है. And आपको ये सारी चीजें पता नहीं थी क्या? तो इस तरीके से robot ने बच्चे से रिकी से question पूछा. The robot said with a certain pride, यानी कि उसमें थोड़ा सा घमंड आ गया एंड उसने बोला कि क्या आपको नहीं पता था कि मैं एक मैक्सिमम एफिशिएंसी मशीन हूँ यानी कि जो वेस्टेज होता है उसको मैं मिनिमाइज करता हूँ. इस तरीके से मुझे बनाया गया है. तो वेर यू अनअवेयर अबाउट ऑल दिस? नाउ लेट अस टर्न टू पेज नंबर 20. रिकी स्टार्टेड फीलिंग अशेम्ड. ये सुनने के बाद रिकी को क्या हुआ, शर्म आने लगी अपने, उसने जो चीज किया, जो कंप्लेंट की अपने पेरेंट्स को, वो सोच के उसको क्या होने लगी, शर्म आने लगी. ही हैड स्पेंट ऑल हिज लाइफ ट्रीटिंग थिंग्स एज दो दे वेर यूजलेस. यानी कि अब तक वो कैसा कर रहा था, वो अपनी चीजों की बेकदरी करता था. ऐसा था कि वो सारे यूजलेस है, ऐसे ट्रीट करता था कि वो सारे यूजलेस है. रोबोट के आने से पहले वो टॉय को जमीन पे ऐसे ही फेंकता था, लेकिन ऑल ऑफ सडन जब वो गायब हो गया तो उसे एहसास हुआ कि वो तो उसका फेवरेट टॉय था. रोबोट के आने से पहले वो सारा सामान ऐसे जमीन पे बिखरता था, राइट? अब रोबोट के आने के बाद जब रोबोट उसको साफ रखने लगा तो उसको लगने लगा कि वो तो मेरा फेवरेट टी शर्ट था, अब मुझे नहीं मिल रहा. तो वो ऐसे ही कर रहा था, वो चीजों की बेकदरी कर रहा था, उसको चीजों का इम्पोर्टेंस पता नहीं चल रहा था. He looked after nothing. उसने अपनी किसी भी चीज की केयरिंग नहीं की. Yet it was true that many other people would be delighted to treat those things with all the care in the world. ऐसे में इस वर्ल्ड में ऐसे भी ऐसे लोग होते हैं जो अपने थिंग्स को, जो अपने सामान को इस तरीके से केयर करते हैं जैसे कि वर्ल्ड में दूसरा वो सामान मिलेगा ही नहीं, है कि नहीं? आप लोग भी अगर आप अपने बुक्स की केयर करते हो तो बुक्स आपको नॉलेज देगी. अगर आप बुक्स की केयर नहीं करते हो, ये फट के जाती है तो इट इज यूजलेस. फिर आपको उससे कोई नॉलेज भी नहीं मिलेगी और आप कुछ पढ़ भी नहीं पाओगे. वैसे ही क्लोथ, अगर हमारा सामान, हमारा क्लोथ हम ढंग से रखेंगे तो हम उसको बहुत टाइम तक यूज कर पाएंगे. अगर हम ढंग से नहीं रखेंगे तो क्या होगा, वो फट जाएगा या फिर गुम हो जाएगा, तो हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, है कि नहीं है? तो हमें अपना सामान भी तो उसी तरीके से केयर करनी चाहिए, राइट? जिस तरीके से पेरेंट्स हमारी केयर करती है तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ आवर थिंग्स. ओके, एंड ही अंडरस्टूड दैट द रोबोट वॉज नीदर ब्रोकन नॉर मिस प्रोग्राम्ड. अब इसके बाद रिकी को एहसास हुआ कि रोबोट ना ही टूटा हुआ था, ना ही उसमें बैड प्रोग्राम किया गया था, यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया था वो गलत इंस्ट्रक्शंस दिया गया था. पहले उसको लगा था कि क्या रोबोट ब्रोकन हो गया है और उसको जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो बैड इंस्ट्रक्शंस दिया गया, तो यही कंप्लेंट लेके तो अपने पेरेंट्स के पास गया था. लेकिन अब उसको रियलाइज हुआ कि रोबोट ना ही ब्रोकन है, ना ही टूटा हुआ है, ना ही उसको गलत इंस्ट्रक्शंस दिया गया है. ओके, रैदर इट हैड बीन प्रोग्राम्ड एक्सट्रीमली वेल. अब उसको यह एहसास हुआ कि उसको मिस प्रोग्राम नहीं किया गया है, लेकिन उसको बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है. ओके, सिंस देन रिकी डिसाइडेड टू बिकेम अ मैक्सिमम एफिशिएंसी बॉय. अब रिकी ने क्या डिसाइड किया कि वो एक एफिशिएंसी बॉय बनेगा, यानी कि वेस्टेज को मिनिमाइज करेगा. ओके, मिनिमाइज करना मीन्स कम करना, चीजों की बेकदरी करना वो कम करेगा. एंड ही पुट रियल केयर इन टू हाउ
ही ट्रीटेड हिज थिंग्स, अब वो अपनी चीजों को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगा, उसका केयर करने लगा, बहुत अच्छे से उसको यूज करने लगा. ही केप्ट देम टाइडी एंड मेड श्योर ही डिडंट हैव मोर देन वाज नेसेसरी. अब उसने क्या डिसाइड किया, उसने ये किया कि वो अपनी चीजों की क्लीनिंग करने लगा, उसको बहुत अच्छी तरीके से टाइडी वे में रखने लगा. पहले वो मैसी रखता था, अब वो उसको टाइडी रखने लगा. और उसने ये भी ध्यान रखा कि जो चीज उसको जितना नीड है उतना चीज ही उसके पास हो, एक्स्ट्रा कोई भी चीज उसके पास ना हो. ओके, एंड ऑफन ही वुड बाय थिंग्स एंड टेक देम अलोंग विथ हिज गुड फ्रेंड द रोबोट टू हेल्प आउट दोज अदर पीपल हु नीडेड देम. अब उसने क्या करना स्टार्ट कर दिया, वो चीजें थिंग्स सामान खरीदता था एंड अपने गुड फ्रेंड बैटलर रोबोट के साथ लोगों में बांटने जाता था जिन लोगों को उस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है. वो खरीदने चीजें खरीदने लगा क्योंकि वो तो वेल्थी फैमिली से बिलोंग करता था, उसके फैमिली में वेल्थ थे. तो वो क्या करने लगा, वो सामान खरीदने लगा और ऐसे सामान खरीदने लगा जो लोगों की जरूरत में आती हो. तो फिर वो अपने फ्रेंड के साथ जाके लोगों में वो चीजें देने लगा जिसको वो पर्टिकुलर चीज की नीड हो. ओके, सो बाय दिस अवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. एंड स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल द थिंग्स यू आर हैविंग एट योर होम. ओके, आपके पास जितने भी चीजें अवेलेबल है आपको उसकी टेक केयर करनी चाहिए. लाइक क्लोथ्स, आपके पास क्लोथ्स है, बैग्स है, बुक्स है, नोटबुक्स है, पेपर, पेंसिल, इरेजर, घर में जो भी यूटेंसिल्स होते हैं, जो भी चीजें आपके घर में अवेलेबल है, सारी चीजों की यू शुड टेक केयर वेरी केयरफुली. ओके, एंड अपने घर को साफ सुथरा भी रखना चाहिए. ओके, सो बाय दिस द चैप्टर इज कंप्लीटेड. द रोबोट विद अ वायरस, एक्चुअली रोबोट में कोई वायरस नहीं होता है. वायरस रिकी के दिमाग में होता है कि वो क्या सोचता है, दैट रोबोट क्या है, मिसप्रोग्राम्ड है, यानी कि उसमें जो इंस्ट्रक्शंस दिया गया है वो गलत इंस्ट्रक्शंस दिया गया है और वो चीजें चुराता है. लेकिन जब उसको पता चलता है कि इट इज नॉट ट्रू एट ऑल, तो उसको बहुत ही अशर्म फील होता है एंड वो अपनी लाइफ को चेंज करना स्टार्ट कर देता है. ओके, सो द चैप्टर इज कंप्लीटेड. हैव अ गुड टाइम. थैंक यू क्लास.